जबलपुर के जनपद पंचायत शहपुरा भिटौनी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नटवारा गांव में कृषि विस्तार सुधार कार्य संगोष्ठी के नाम से यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय से आए तीन व्यक्ति, जो एक रोहित ने कृषि अधिकारी खुद को बताया और जो दूसरा ने आरपी साहू कृषि वैज्ञानिक बताया है, जिन्होंने कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में पदस्थ होना बताया है। जो पंचायत शहपुरा में पदस्थ किसी मोनिका मैडम के कहने पर यह कार्यक्रम किया गया, वहीं इस गांव की समूह वाली एक सैकड़ा महिलाओं को एक जगह शनि मंदिर प्रांगण में ये कार्यक्रम किया गया और प्रत्येक महिला को एक पेन एक पतली डायरी दी गई जानकारी लिखने के लिए, जिसमें इन सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को खेती करने से संबंधित जानकारी दी जा रही थी। तभी मीडिया वाले पहुंचे तो आनन फानन में ये अधिकारी भाग निकले। मीडिया का कैमरा देखकर इन स्वयं सहायता समूह चलाने वाली गरीब महिलाओं के पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं है। तब इन महिलाओं को खेती के बारे में बताया जा रहा था और मिट्टी परीक्षण करवाने के लिए कहा गया है। आरोप है कि इन महिलाओं को गुमराह किया जा रहा था और बरगलाया जा रहा था। जब इसकी जानकारी कृषि के सरकारी अधिकारी पंकज श्रीवास्तव शहपुरा से पूछी तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है कि महिलाओं को कृषि की जानकारी दी जाए। जिन महिलाओं के पास कृषि करने के लिए एक तोला भर जमीन नहीं है, उनको जानकारी देना उचित नहीं है। मैं इसकी जाँच कर कार्यवाही करूँगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि अब ऐसे अधिकारियों की पहचान कर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। इन समूह की महिलाओं ने बताया कि ब्लॉक जनपद पंचायत शहपुरा में ड्यूटी रत पदस्थ मोनिका मैडम ने मोबाइल फोन करके कहा कि ये कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से आ रहे हैं, आप लोगों को जानकारी देने। सभी समूह की महिलाएं एकत्रित हो जाओ, तो सभी महिलाएं जुट गईं एक साथ जानकारी प्राप्त करने के लिए। यहाँ आई है जो संगोष्ठी हुई है, किसान संगोष्ठी, इसमें क्या जानकारी दी आपको? क्या जानकारी सर? ये जानकारी है कि समूह के बारे में कुछ नहीं बताया, जमीन के बारे में बता रहे हैं। तो जमीन तो अपने पास है नहीं है, मजदूरी करते हैं तो वही मजदूरी छोड़ कर बैठे हैं। अच्छा, तो ये आपकी प्रमुख कौन है समूह की, उनका क्या नाम? मोनिका मैडम। ये कहाँ की निवास है? जबलपुर। तो इनने बुलाया है आपको? हाँ, उनने फोन लगाया था। तो ये आपको सच लग रहा है कि मतलब ये कार्यक्रम किया है? सर मेरे को तो मीडिया आई थी, जब भाई सब हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, फर्जी है। हाँ, पर बोल नहीं पाए, सामने मेहमान गया थी। नाम बताया आपका? उमा गांव। कौन से गांव से? गढ़वाल। किस लिए आई है? हम लोग की मीटिंग रही। हाँ, आया ऊपर से मैडम के पास से कि आप लोग मीटिंग कौन, रखो। कौन मैडम की? मोनिका मैडम। ये कौन से विभाग में मोनिका मैडम? हम लोग के समूह में जुड़ी हैं। अच्छा, ये सरकारी समूह है क्या? हाँ, सरकारी समूह है। तो आप कहाँ की निवासी? नटवारा। तो यहाँ इनने क्या आपको जानकारी दी है? कृषि विभाग से जानकारी दी है, बीज के लिए दिए। तो क्या आप खेती करेंगी क्या? हमारे के तो कहा कि खेती धारी बैठ भी जगह नहीं है, कहाँ से खेती ले। अच्छा, नाम बताइए आप। भागवती मेहरा। कौन से गांव से? नटवारा। एक महिला जो होती है उसकी भागीदारी कृषि में महती रहती है, ये हमेशा से शुरू से ही रही है। चाहे आप जैविक खेती ले लें या कॉमर्शियल खेती ले लें, और जैविक खेती में तो महिलाओं की बहुत ही भागीदारी होगी। जैविक खेती में क्या है, जैसे गोबर की खाद भी बनानी है तब भी महिलाओं की बहुत आवश्यकता होती है, बीज का परीक्षण करना है तब भी आवश्यकता होती है, मिट्टी का नमूना तक लेना है तब भी महिलाओं की आवश्यकता होती है। तो क्या ये नटवारी गाँव चुना आपने? नहीं, हमने नहीं, ये तो इनका प्रोग्राम है जो शासन का है। हम तो एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक के रूप में। तो आप प्राइवेट प्रशिक्षण? नो, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से मैं डॉक्टर आरपी साहू। महिलाओं को इकट्ठा किया है और किसान संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है, तो ये कौन लोग थे, क्या शासन ने इनको भेजा है? जैसे हमें जानकारी मिली सुबह से कि यहाँ हमारे ग्राम नटवारा में किसान संगोष्ठी का कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, किया जाने है। तो हम यहाँ आए, हमने जब जानकारी ली तो हमारी सभी माताएं बहनें जो आप देख रहे हैं सब समूह से जुड़ी हुई हैं, स्व सहायता समूह से। तो इनको पहले तो गुमराह किया गया कि किसान संगोष्ठी है, आप लोग आ जाएं। तो कोई इनके वो लीडर हैं या जो सरकारी विभाग में है, मोनिका मैडम, आप लोगों को बताया अनुसार उन्होंने कल से फ़ोन किया है कि आप लोग इकट्ठे हो जाएँ, अधिकारी आ रहे हैं। जबकि 90% इन माताओं बहनों के पास जमीन है, सभी मजदूर वर्ग हैं, इनको गुमराह किया जा रहा है। कोई भी कार्यक्रम हो सरकारी अधिकारी फोन लगा देते हैं, इकट्ठे हो जाओ आप लोग कार्यक्रम है। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई? ऐसे लोगों के ऊपर हम ये चाहते हैं सामाजिक क्षेत्र में सभी माताओं बहनों की ओर से इनके ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
आज 200-250 रुपए का नुकसान किया हमारी माताओं बहनों को इन्होंने, कि आज वो मजदूरी कर रही हैं, रोज जा रही हैं, 200 रुपए की मजदूरी करती हैं, 200 रुपए का नुकसान हुआ, ये कौन देगा इनको? क्या मन का महीना आएंगे इनको देने पैसे? कौन लगा दिया और खुद नहीं आई यहाँ पर? तो ये क्या इनके साथ गलत हो रहा है? इनके साथ गलत नहीं, बहुत गलत हो रहा है, इनको हमेशा गुमराह किया जा रहा है। हाँ, अगर समूह की कोई बात है इनके लिए, समूह को कोई योजना आई है, कोई ऐसी जानकारी आई है, तो वो आप दीजिए आके। तो शिकायत आप ऊपर भेजेंगे? बिल्कुल, हम ऊपर तक शिकायत भेजेंगे, और सभी हमारे माताएं बहन जो कि हमारे साथ में है, जिनको गुमराह किया जा रहा है। नाम बताएं? भूपेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता। कौन से गाँव से? प्रवचन। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।